हेलो हेलो फ्रेंड्स, अनबोरिंग एकेडमी पे स्वागत है। 9 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग फटाफट देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा नहीं, रोज के हिसाब से 10 10 क्वेश्चन देखते हैं। 30 दिन के ऑलमोस्ट समझ लो कि 300 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है, पूरा कवर करते जाएंगे डे बाई डे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में रस्किन बॉन्ड साहब जो हैं पोइट हैं, बहुत फेमस फेमस बुक लिखी हैं, इंडिया को बहुत पसंद करते हैं, इंडिया के हिली रीजन्स में बच्चों को इनकी बुक्स बहुत पसंद आती है, नेचर लविंग राइटर हैं ये। इनकी एक बुक को अवार्ड मिला है, कौन सा? गोल्डन बुक अवार्ड, ठीक है, 2023 में। किस बुक के लिए मिला है इनको? तो रस्किन बॉन्ड को मिला है हाउ टू लिव योर लाइफ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट किया है नेशन को एक एच ए एल हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, कहाँ पे? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फैक्ट्री बनवा के दी है, जहाँ पे अपन HAL एयरक्राफ्ट जो है, HAL जो है कंपनी है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कंपनी है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसके अंडर में एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाई गई है, वो कहाँ पे बनाई गई है? वो बनाई गई है कर्नाटका में। ठीक है, ये देखिए इसका डिटेल है। पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड फैसिलिटी ऑपरेशन ऑफ HAL, और कहाँ पे बनी है? तुमकुरु, तुमकुरु नाम का जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बनाई गई है ये तुमकुरु। ठीक है, कौन सी भारतीय कंपनी है जिसका नाम है, अभी फॉर्च्यून मैगजीन में लिखा गया है, जो वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनी है, जिसकी बहुत, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है, बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है, वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनी, कौन सी कंपनी है वो? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS। ये सॉफ्टवेयर के जो सर्विसेज होते हैं इंटरनेशनली, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनको देती है ये कंपनी, TCS नाम है। ठीक है, इसका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन हाल ही में सुना है कि TCS भी बहुत बड़े पैमाने पे ले ऑफ करने जा रही है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की वैल्यूएशन की कंपनी है, इन्फोसिस का कंपटीटर है ये। ठीक है, आगे देख लो आप, ये पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। चलो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडिया, भारत कितना परसेंट मिल्क प्रोड्यूस करता है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का कितना ज़्यादा मिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं? तो हमें 24% मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, चलिए देख लीजिए, डिटेल दी हुई है, 17 कर रहे थे, 30, 22, 31, 53, 80, इतना 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 मिलियन टन, मिलियन टन में ये प्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट पेमेंट कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च ए क्रॉस बॉर्डर UPI, जैसे आपने सबने UPI तो यूज़ किया ही होगा, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। ठीक है, लेकिन कौन सी कंपनी जिसने क्रॉस बॉर्डर, मतलब कि एक देश से दूसरे देश के बीच में भी आप UPI इनके कंपनी का यूज करके चला लोगे, वो कंपनी है फोनपे। चलो, फोनपे ने हाल ही में लॉन्च किया क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट, ठीक है, इन फरवरी 2023 फॉरेन मर्चेंट के लिए। समीर निगम फाउंडर है फोनपे के, 2015 पे, भारत पे भी एक करके कंपनी है, बट भारत पे ने नहीं किया, फोन पे ने किया। रिलायंस जियो ने हाल ही में एक कंपनी एक लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? डिजिटल स्किल इनिशिएटिव, लोगों को डिजिटली स्किल देने का काम, लोगों को डिजिटली स्किल समझाने का काम मतलब शुरू किया है, इनिशिएटिव है, CSR होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंडर में लोगों को स्किल्स ये प्रोवाइड कर, उसी के अंडर में फंड यूज करके डिजिटल स्किल्स देंगे, ये किसी कंपनी के साथ में कोलाबोरेट करेंगे और ये काम देंगे। वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी है GSMA एसोसिएशन। ठीक है, देख लो, रिलायंस कंपनी कोलाबोरेटेड विद GSMA, ठीक है, टू अनवील ए नेशन वाइड डिजिटल स्किल, और ये काम क्या करेगी? स्किल देगी किसको? टूल किट ये देगी जो महिलाएं हैं लो इनकम की, उनको स्किल्स देगी ताकि वो अपनी जीविका को आसानी से चला सके। हाल ही में ब्रिटेन ने, ब्रिटिश स्टाम्प ने एक नया स्टाम्प लॉन्च किया हुआ है, ब्रिटेन में, UK, यूनाइटेड किंगडम की बात चल रही है, तो उस पर किसका चेहरा है? उस पर चेहरा है चार्ल्स थ्री। हाल ही में इनको गद्दी गद्दी मिली है, इनके सबसे ज़्यादा उम्र में राजा बनने वाले व्यक्ति हैं। इनसे पहले कौन थी? एलिजाबेथ, वो सितंबर में उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद इनको गद्दी मिली है, उनके नाम का ही स्टाम्प जारी हो रहा है। अब स्कल्पचर पार्क इनॉग्रेट हुआ है राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, उषा शर्मा के द्वारा, कहाँ पे?
स्कल्पचर पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? स्कल्पचर पार्क इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में जो स्कल्पचर पार्क ऑफ राजस्थान चीफ सेक्रेटरी स्कल्पचर पार्क एट बीकानेर हाउस। बीकानेर हाउस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में ही है। बीकानेर हाउस न्यू दिल्ली में ही है, सीपी का एरिया वो के पास का एरिया है, वहीं पे बीकानेर हाउस पड़ता है दिल्ली में। बिज खाता नाम का एक इनिशिएटिव है जो छोटे बिजनेस वालों के लिए है। ये किसने लॉन्च किया है? बिज खाता लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। हाल ही में के सत्यनारायण राजू के नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको सीईओ बना दिया गया है किसी बैंक का। कौन सा वो बैंक है? HDFC केनरा। IDFC यस, वो बैंक है केनरा बैंक। ये 9 फरवरी के करंट अफेयर हम लोग ने डिस्कस किए। 10 फरवरी का करंट अफेयर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।